गाइज यार आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, क्योंकि यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे रिचार्ज प्लान के बारे में जिसमें कि आप लोगों को 28 दिन नहीं बल्कि यार पूरा का पूरा एक महीना आप लोगों को वैलिडिटी मिलेगा। यदि उस महीने में 31वां तारीख भी हो तो उस 31वां तारीख को लेकर भी आपको यार एक महीने तक का पूरा पूरी वैलिडिटी मिलने वाला है। तो गाइज यार यहाँ पर वो रिचार्ज कौन सा एंड आप लोग यार कैसे उस रिचार्ज करवा सकते हो, आज के इस वीडियो में उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे गाइज। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग यार हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन लिखना मत भूलना। यार आप लोग सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो देखकर चल जाते हो यार, एंड सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक करते जाओ इस वीडियो को, एंड कमेंट में अपना ओपिनियन यार ज़रूर से बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइज अभी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। आपको यार कुछ नहीं करना, बस अपने जियो ऐप को ओपन करना, एंड वहाँ पर ओपन करने के बाद यार आपको यहाँ पर जो आप के सामने जो बैनर दिखता है एडवर्टाइजमेंट का, जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है डेजर्ट कॉर्नर का, एंड यहाँ पर जो कैडबरी डेजर्ट कॉर्नर वाला जो मुझे बैनर दिख रहा है तो उसी को आप स्लाइड करते जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ बैनर दिख जाएगा। लेकिन उसी में से एक बैनर है कि यार कैलेंडर डेट मंथ जियो इंट्रोड्यूसिंग इंडिया फर्स्ट कैलेंडर डेट मंथ रिन्यूज ऑन द सेम डेट एवरी मंथ। तो गाइज यहाँ पर इसको आपको सिंपल सा टाइप कर देना, उसके बाद हम लोग को काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो गाइज उस प्लान का जो प्राइस है वो है यार 259 रुपीज़, एंड यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी कुछ उसके बारे में जानकारी मिल ही जाने वाला है, बताने की ज़रूरत नहीं है यार। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार प्लान का प्राइस यार दिख नहीं रहा है यहाँ पे। यार अमाउंट पेएबल 259 रुपीज़ है, अप्लाई वाउचर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, UPI से आप लोग कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी पे कर सकते हो, पेटीएम से भी आप लोग पे करते हो तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आप लोग यदि पेटीएम से पे करोगे तो आप लोग को 150 रुपीज़ यार कैशबैक मिलेगा गारंटीड। एंड गाइज यार यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड और पेटीएम वॉलेट में मेरा यार अभी पैसा नहीं है उतना, तो गाइज यहाँ पर आपको यार 259 का रिचार्ज करवाना है। एंड उसी के साथ साथ गाइज यदि आप लोग पेटीएम के यूज़र हो, नए यूज़र हो, यदि आपका अकाउंट यार नया है पेटीएम में, तो गाइज आप लोगों को मिल सकता है 150 रुपीज़ का कैशबैक, मतलब 259 आप लोग यार रिचार्ज करवाओगे 150 आपको कैशबैक मिल जाएगा। मतलब आप लोग हिसाब लगा लो कि यार आपको कितना मिल रहा है यार, यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। एंड गाइज यार यहाँ पर जो आपका पेटीएम अकाउंट नया है एंड आपको यार रिचार्ज करवाते हो तो आप लोग 150 रुपीज़ का कैशबैक मिलता ही है। लेकिन उसी के साथ साथ यार यहाँ पर आपको इस ये जो प्राइस वाला और जो मतलब रिचार्ज है 259 वाला, तो गाइज यहाँ पर आपको यार सेम मंथ पे आपका रिन्यू करना होगा। मतलब यार जैसे कि आज आपने 5 तारीख को रिचार्ज करवाया तो अगले महीने भी 5 तारीख को ही रिचार्ज खत्म होगा। 28 दिन हो 31 दिन हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस 5 तारीख को आपने करवाया है तो 5 तारीख को ही खत्म होना चाहिए रिचार्ज, बस यही आपको देखना है। एंड गाइज यदि आप लोग पेटीएम के नहीं यूज़र हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बात है कि यार आप लोगों को 150 रुपीज़ कैशबैक भी मिल जाएगा इस मतलब ऑफर में। तो गाइज यही बात आपको बताना था, एंड इस ये जो ऑफर आपके लिए काफ़ी अच्छा है, एंड आप लोग रिचार्ज करवा लो जल्दी से जल्दी, आपका पे मतलब यार रिचार्ज खत्म हो चुका है तो, एंड यदि आप लोग पेटीएम करने यूज़र हो तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यही बात आप गाइज आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, आप सब्सक्राइब करते हो वीडियो को मतलब चैनल को एंड देख कर चले जाते हो तो यार सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, एंड उसके बाद फिर यार लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तो यार लाइक कर देना, वही मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप लोग लाइक करते हो तो सिर्फ मुझे बोलना पड़ता है यार। एंड आपको क्या कमी लगता है बताओ यार कमेंट में बताओ, यदि आप लोग लाइक नहीं करते तो आपको अपना कमी बताओ यार कमेंट में लिखकर मेरी कमियाँ को, एंड उसके बाद फिर यार मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो यही बात आपको बताना था, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन लिखना मत भूलना यार। जय हिंद।